हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रेश पुदीने के पत्ते। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने एक बॉल में ले लिया है। ये लगभग 250 ग्राम पुदीने के पत्ते हैं। 4 चम्मच गुड़ लेंगे, ये ऑर्गेनिक गुड़ लिया है मैंने। अगर आपके पास नॉर्मल गुड़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ लेंगे, ये 2 तीखी हरी मिर्च लिया है मैंने। ये 4 चम्मच इमली है, इसमें थोड़े से पानी डालकर इमली के बीज को निकाल लिया है मैंने और इसे हाथों से मैश कर लिया है। ये 4 चम्मच इमली लेंगे। इन सब का जार में हमें पेस्ट बनाना है। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 2-3 ड्रॉप्स मस्टर्ड ऑयल लेंगे। ये देखिए, जार में मैंने सब डाल दिया है। ये चटनी थोड़ी चटपटी रहती है, तीखी भी रहेगी, थोड़ी मीठी भी रहेगी, तो आप अपने अनुसार थोड़ा मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इसे हमें पेस्ट बना लेना है, पीस लेना है। ये देखिए, मैंने पीस लिया है इसे। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा। टू थ्री ड्रॉप्स मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल, बस 2-3 ही ड्रॉप डालना है। इसे मिला लें। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाला था पीसते समय, क्योंकि इमली जो है उसका पानी उसी से ये अच्छे से पिसा जाता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1 ही चम्मच पानी डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में पिसा जाएगा। ये देखिए, पुदीने की चटनी जो है वो रेडी है। पुदीने की ये चटपटी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और कोई भी डिश के साथ आप साइड में इसे सर्व कर सकते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप इसे बनाएं और बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।